इट विल बी मोर सेटिस्फाइंग. टास्क की आइडेंटिटी होनी चाहिए कि मैंने ये काम किया है जी, दिस आई प्रोड्यूस एज ए सर्विस और प्रोडक्ट. आइडेंटिटी हो, नज़र आता हो, फिर टास्क की सिग्निफिकेंस हो कि वो इम्पॉर्टेंट काम हो, आपको भी इम्पॉर्टेंट लगता हो, उनको भी इम्पॉर्टेंट लगता हो, मतलब इनसिग्निफिकेंट कोई काम ना हो. उसके बाद ऑटोनॉमी हो, आपके पास फ्रीडम हो अपने यू नो डिस्क्रेशन हो काम करने की, स्केड्यूलिंग करने की, और आपको फीडबैक दी जाए कि आपने अच्छा काम किया बुरा काम किया. ये जॉब डिज़ाइन का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स का मॉडल है और इस मॉडल को ये ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है. और ये मुझे नाम अभी याद नहीं आ रहा किस स्कॉलर का, लेकिन इसके पीछे एक स्कॉलर है जिसका नाम है. उन्होंने क्या किया, उन्होंने तीन हिस्सों में इसको बांटा है. ये तीन चीज़ें यहाँ इकट्ठी की हैं, ऑटोनॉमी यहाँ, फीडबैक यहाँ. अभी आप देखें साइकोलॉजिकल स्टेट क्या पैदा होती है, एक्सपीरियंस मीनिंगफुलनेस जॉब के अंदर. फिर इसमें ऑटोनॉमी में एक्सपीरियंस रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें फीडबैक में नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स, और वो मोटिवेट करता है, जॉब परफॉर्मेंस बेहतर होती है. दिस इज द बेसिक मॉडल ऑफ जॉब डिज़ाइन जो कि लोग फॉलो भी करते हैं. टीम्स कौन कौन सी होती हैं, इस पता नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि शायद मतलब उस तरह विजुलाइज करना मुश्किल है, लेकिन लेस एनी टू माय माइंड एनी टीम इज़ अ स्पेशल पर्पस टीम, क्योंकि वो बनती है. टीम का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या, टीम बनी काम हुआ डिसबैंड होगी. ठीक है, अब इन्होंने बुक ने जो किया मैं उन्हीं पर जाना है. स्पेशल पर्पस टीम है किसी खास प्रॉब्लम को डील करने के लिए. सेल्फ डायरेक्टेड टीम है, वो खुद से अपना काम करते हैं, उनको कोई बताता नहीं है. वर्चुअल टीम्स हैं, दे आर नॉट कोलोकेटेड, दे आर एट डिफरेंट प्लेसेस, दे आर कनेक्टेड थ्रू टेक्नोलॉजी. राइट, वर्चुअल टीम की सक्सेस को क्या चीज़ें करती हैं मैटर, वो फैक्टर्स दिए हुए हैं. टेक्नोलॉजी कौन सी इस्तेमाल करते हैं, मेंबर्स को ट्रेन कैसे करते हैं, और वर्चुअल मैनेजमेंट कैसे करते हैं. दिस इज़ ईदर ए टीम वुड बी वर्चुअल टीम विद सक्सेसफुल और नॉन सक्सेसफुल, एंड दिस इज़ वेरी कॉमन फिनोमेना इन दी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्ल्ड. टीम जॉब्स, इसको बाद में आप बेशक पढ़ लिए, वो काम को बेहतर बनाते हैं. इसको थोड़ी देर एक को चला दो, काम को बेहतर बनाते हैं. इन टीम्स यू लर्न डिफरेंट स्किल्स आर यूज्ड बाय डिफरेंट पीपल, लेकिन इसमें अपने मसाइल भी होते हैं. बाज़ बार टीम में ही लोग आपको नहीं काम करने देते, कोई और मसाइल होते हैं, इस तरह की चीज़ें इसमें आते हैं. फिर आपकी कॉम्पनसेशन के इशू आ जाते हैं. टीम रिवॉर्ड कैसे करें, इंडिविजुअल को कैसे रिवॉर्ड करें, ये सारे टीम के डिसएडवांटेजेस में आते हैं. वर्क स्केड्यूल क्या है, जो लोग बाहर की दुनिया के साथ काम करते हैं उसमें ग्लोबल वर्क स्केड्यूल डिफरेंसेस हैं. एक मुल्क में सुबह हुई है दूसरे में रात हुई है, ये फिनोमेना आपको पता ही है. वर्क स्केड्यूल के अल्टरनेटिव्स क्या हैं, लॉन्गर डेली आवर्स करें, आप चार दिन में कई मुल्क इजाज़त देते हैं 40 घंटे पूरे करके चले जाएं. अमानत एक चलवा दो यार. शिफ्ट वर्क क्या है, आप किस वक्त काम, डज द शिफ्ट डिफरेंशियल मीन्स यू आर पेड एक्स्ट्रा मनी फॉर नाइट शिफ्ट, क्योंकि वो मुश्किल शिफ्ट होती है. इसकी बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, मेरे ख्याल लास्ट टाइम ही हमने, एक होता मॉर्न डे शिफ्ट, देन इवनिंग की स्विंग शिफ्ट, एंड देन स्विंग या यू स्विंग या इवनिंग, एंड देन फ्रॉम रात को जो 12 बजे से सुबह 8 बजे तक उसको ग्रेवयार्ड शिफ्ट बोलते हैं. एंड दिस इज एस्टेब्लिश्ड टर्मिनोलॉजी इन ह्यूमन रिसोर्स, ग्रेवयार्ड शिफ्ट. कंप्रेस्ड वर्क वही बात है कि आप थोड़ा ज़्यादा काम करके वो चार दिन में कर जाएं, पाँच दिन का काम तीन दिन में कर जाएं, वो डिपेंड करता है आप कैसे करें. फ्लेक्स टाइम क्या है, मेरी कई काम ऐसे हैं, कई अलाउ नहीं करते फ्लेक्स टाइम, क्योंकि आपको वहाँ मौजूद उसी टाइम में होना. फॉर एग्जांपल ए बैंक का टेलर, ये तो नहीं कह सकता जी मैं 9 बजे नहीं आऊँगा, लोगों को खड़ा करते मैं 12 बजे आऊँगा. फ्लेक्स टाइम का कॉन्सेप्ट यह है कि आपको वो 8 या 10 घंटे या 4 घंटे पूरे कर रहे हैं, लेकिन वो आप किसी भी टाइम में कर लें जो कंपनी ने डिफाइन किया है कि इसके दौरान आप पूरे कर दें. फिर जॉब शेयरिंग क्या है,
एक ही कोई दो एम्प्लॉई को रखे हुए हैं, एक वो कर जाता है, एक दोपहर को कर जाता है, एक इतना हिस्सा कर जाता है, दूसरा उतना हिस्सा कर जाता है, दैट्स जॉब शेयरिंग कॉन्सेप्ट। फिर टेलीकम्यूटिंग, एवरीबडी नोज इट, टेम्प्ररी लोकेशंस हैं। आजकल हम कहते हैं लोग ऑफिस नोमैड्स हैं, देयर इज नो ऑफिस, कभी इधर बैठे हुए हैं, कभी उधर बैठे हुए हैं। अपने ख्याल के अंदर आपने भी देखा होगा आजकल जहाँ लैपटॉप है और जहाँ क्या हो गया, अच्छा अच्छा तो वो बंदा मरवा दिया खुद उधर बैठ और ना बैठ यार उधर बैठ जा। नहीं आई एम जोकिंग, यू ओके विद इट? हाँ बस ठीक है, कुर्बानी कभी देनी पड़ती। आजकल जिधर आपके पास एक मोबाइल है और जिधर एक वही ऑफिस है, इज़न्ट इट ट्रू? कोई ज़रूरत नहीं है किसी दफ्तर की। दैट्स व्हाई वी कॉल बॉडीलेस ऑफिसेज नाउडेज, देयर इज नो बॉडी ऑफ ऑफिसेज। फिर आपके अल्टरनेट वर्क अरेंजमेंट्स हैं, उसमें आपका एक्चुअली थोड़े प्रॉब्लम्स भी आते हैं। यू हैव टू बी ट्रेंड हाउ टू वर्क अलोन, हाउ टू यू नो मैनेज योर वर्क, हाउ टू बी योर ओन सुपरवाइज़र। ये सारी चीज़ें इंडिविजुअल के लिए पैदा होती हैं और कंपनी के लिए पैदा होती हैं कि वो आपको देखते नहीं हैं कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, तो उनके मैनेजमेंट के इश्यूज़ भी पैदा होते हैं। टीम वर्क के कंसर्न्स हैं, मैनेजमेंट पे भी कंसर्न्स हैं, एम्प्लॉई पे भी कंसर्न कर रहे हैं। एक नज़र इस पर बाद मार लें, लेकिन ये यहाँ के कंसर्न नहीं है, लेकिन नज़र ज़रूर मार लें ताकि आपको इस चीज़ का इल्म ज़रूर हो। जॉब एनालिसिस, एनीबॉडी हु मिसेस दिस विल बी वेरी वेरी हैप्पी इन लाइफ इंशाल्लाह। एनीबॉडी हु हैज मिस दिस टॉपिक will never be happy in life because वो कुछ सीख ही नहीं सके। ठीक है, आगे चलो। Job analysis is a systematic way of gathering and analyzing information about the content, context and the human requirements of the job. इसमें क्या क्या है? Work activities and behaviors, interactions with others, performance standards, financial and budgeting impact, machines and equipment used, working conditions, supervision given, taken, whatever. These are parts of the job analysis exercise. लेकिन बात ये जॉब का बिहेवियर एक्चुअली पता क्या बात है, ये थोड़ी अभी पुराने कॉन्सेप्ट हैं, आप अवेयर हैं, नए कॉन्सेप्ट कॉम्पिटेंसीज आ गई हैं विच इज़ बियॉन्ड स्किल्स एंड बियॉन्ड नॉलेज। तो कॉम्पिटेंसीज में फिर ये चीज़ें शामिल आनी शुरू हुई है, आपकी यू नो पर्सनैलिटी कैसी है, आपका बिहेवियर कैसा है। अगर उस सूरत में लें वो डिफरेंट, लेकिन अभी हम सिर्फ जॉब तक हैं इस किताब के मुताबिक। अच्छा, जॉब एनालिसिस में मेथड क्या है? बेसिकली अगर आप देखें इट इज ए रिसर्च मेथड, ठीक है ना, और वो यहाँ नजर आ रहा है क्या क्या मेथड्स हैं। नंबर वन नंबर टू नंबर थ्री नंबर फोर या वाई डाउटफुल यू यस यू नंबर फोर। हाँ, उसने अपनी किसी लिस्ट में से भर दिया नंबर। अच्छा, नजर नहीं। नंबर फोर लॉग्स एंड डायरीज, नंबर फाइव है या खत्म हो गया? बस ठीक है ही नहीं, कोई बात नहीं। तो दिस इज बेसिकली रिसर्च मेथड, राइट? और फिर सोर्सेज ऑफ डेटा क्या है, वो भी रिसर्च मेथड है, दैट इज ऑल्सो आप रिसर्च करने निकले ना। और फिर कंडक्टेड कौन करेगा? बेसिकली एचआर वाले करते हैं, उनके स्पेशलिस्ट करते हैं, समटाइम्स दे हायर कंसल्टेंट्स टू डू इट फॉर देम, क्योंकि कंसल्टेंट्स अगर उस फील्ड में ट्रेंड है और आपके पास नहीं है तो वो करेंगे। इट इज यूज फॉर वॉट? जॉब डिस्क्रिप्शन, नॉट डॉक्यूमेंट। जॉब डिस्क्रिप्शन लाइक मीन्स डिस्क्राइबिंग द जॉब अप टू नाउ एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस, उस बंदे की क्या स्पेसिफिकेशंस होंगी काम करने के लिए, फिर वो किस काम आता है वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं एक स्लाइड के अंदर। टास्क इज डेफिनेशन, ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिफाइबल वर्क एक्टिविटी, अ
composed of motions is called task. They identify, but ये काम है, ये task क्या आपका? Task क्या आप ये लिखेंगे copy पे? Is it identifiable? Is it composed of some motions? That is the task. Duty क्या है? A larger work segment composed of several tasks that are performed by individual. आप लिखेंगे भी, आप post भी करेंगे, आप इसको boss को भी inform करेंगे, आप इसको present भी करेंगे. Now this becomes your duty. And then responsibility is obligation to perform those tasks and duties is responsibility. बाज़ बहुत लोग इसको हमने सुना कहते हैं यार मेरी इस ऑफिस में ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वो ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज को वो फिर कहता है ना मैं ये काम मुझसे ये काम दिया जाता है मैं ये करता हूँ तो दैट वे आल्सो यू कैन डिस्क्राइब बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज योर ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म दैट जॉब राइट कॉम्पिटेंसीज मैंने एक्सप्लेन किया अब आ गई हैं देयर टू काइंड ऑफ कॉम्पिटेंसीज वन इज कॉल्ड टेक्निकल कॉम्पिटेंसीज द अदर इज कॉल्ड बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज देखें अगर किसी के पास डिग्री है लेट्स से इंजीनियरिंग की और वो उसके पास उसने हर यूनिवर्सिटी टॉप किया हर कुछ कर लिया और इतना उसका नॉलेज है उस फील्ड में ये वो लेकिन हो सकता है उसके पास बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज ना हो आई नो अ पर्सन अ यंग बॉय अभी भी इतना नहीं है वो He graduated from LUMS with MBA degree और बड़ा ज़बरदस्त student और बड़ा ज़बरदस्त graduate उसने किया बंदा सोचता था यार इसका क्या future होएगा और ये क्या बंदा होएगा First job with international company sent to Malaysia, second job with another international company here, Pakistan, Karachi, this. हर job में दो चार महीने से ज़्यादा survive भी नहीं किया and For last many years now is jobless. Why? Because of the behavioral competencies were missing. It's very important to have behavioral competencies. If you don't have behavioral competencies, no matter what you are, you will never ever be able to move forward in jobs or even hold jobs. वो देखें अभी जो कॉम्पिटेंसीज का है ना अभी ये बहुत गहरा सब्जेक्ट है अगर आप देखें इनकी कॉम्पिटेंसीज की अब डिक्शनरीज बन गई हैं ठीक है जी दे कॉल इट कॉम्पिटेंसी डिक्शनरीज बहुत सारी कंपनीज ने बनाई हैं ब्रिटिश काउंसिल ने भी बनाई है बहुत अच्छी बनी हुई है उसमें हर जॉब की जो डिफाइन कर देते हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज भी डिफाइन करते हैं फॉर एग्जांपल एक हमने बैंक का टेलर लेना है तो उसकी कॉम्पिटेंसीज डिफाइंड होंगी वो ऑनेस्ट हो इंटेग्रिटी उसमें हो उसकी स्किल ऑफ काउंटिंग बहुत अच्छी हो अच्छा फिर जिस वक्त वो डिफाइंड है वो हम डिफाइन करते हैं ये चार पांच कॉम्पिटेंस फिर उनके ऊपर सवाल पूछे जाते हैं इंटरव्यू के दौरान कि अब ये होगा तो फिर क्या होगा तो ऐसे हुआ था तो फिर क्या हुआ था जैसे अगर कस्टमर सर्विस के ऊपर किसी को लेना है तो उसकी कॉम्पिटेंसी में एम्पथी है या कंसर्न फॉर अदर्स है तो फिर उससे पूछा जाएगा एक दफ़ा बताओ अगर ऐसे हो जाए एक बंदी या बंदा को दस बंदे मार रहे हों या सड़क पे गिरी हो या गिरा तो आप क्या करेंगे वो कोई कहेगी या कहेगा वो मन हो कि मेरा नहीं कुछ तलब अब उसकी कॉम्पिटेंसी जाहिर हो गई कि इसमें वो कॉम्पिटेंसी एग्जिस्ट नहीं करती तो देर आर वेज टू टेस्ट इट एंड पीपल टेस्ट इट रीजंस क्यों मैं कॉम्पिटेंसी अप्रोच की यू नो बिहेवियर्स आपके सामने आते हैं आपकी कॉम्पिटेंसी थ्रू आउट ऑर्गेनाइजेशन वो बेहतर होती है फिर फिजिकल कॉम्पिटेंसीज भी हैं बिहेवियरल कॉम्पिटेंस ये काफ़ी अब कॉम्प्लिकेटेड मॉडल एचआर में बन चुका हुआ पीपल हु हैव इंटरेस्ट इन इट तो खैर इस क्लास के हद तक किसी का क्या इंटरेस्ट होगा इम्तहान पास करेंगे ये भी किताब मुश्किल से पढ़ेंगे लेकिन मे बी इन लॉन्ग टर्म यू विल नो कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं इवन इन योर पर्सनल लाइफ लुक एट पीपल्स बिहेवियर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज कैन यू लिव विद दैम कैन यू बी फ्रेंड्स विद दैम कैन यू हैव रिलेशनशिप विद दैम
ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं जो आपको लाइफ में एक कंफर्टेबल ज़िंदगी देते हैं. आइडेंटिफाई फ्यूचर परफॉर्मेंस रिजल्ट्स एरियाज. मेथोडोलॉजी क्या होती है? आप ये छोड़, ये आप पढ़ लेंगे. आप क्या करते हैं, आप एक स्टार परफॉर्मर को लेते हैं और उसको स्टडी करते हैं कि इसकी क्या कॉम्पिटेंसीज हैं विच मेक्स दिस पर्सन ए स्टार परफॉर्मर. फिर वो कॉम्पिटेंसी आप स्टैंडर्ड बनाते हैं कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए. वो भी एक रिसर्च टेक्निक है जिसके ऊपर आप काम करते हैं. लेकिन आजकल डिक्शनरी बनी हुई है तो आप वहाँ से सिर्फ पिक कर लेते हैं और अप्लाई कर देते हैं. अभी तो ये भी है कि काफ़ी सारी कंपनीज वो बताती भी हैं फॉर इंटरव्यूज के हमारी ये कॉम्पिटेंसीज हैं और इससे रिलेटेड हम आपसे क्वेश्चन भी करते हैं. हाँ, वैसे भी देखो जी, मैं बताऊँ, आजकल इंटरव्यू ही भी बड़े स्मार्ट हैं. वो जॉब आता है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, वो जाके डिक्शनरी कंसल्ट करते हैं कि क्या कॉम्पिटेंसीज चाहिए, फिर उनके मुताबिक वो सवाल बिठाते हैं. वो पूछता है यार प्रोजेक्ट फेल होने लगा लगेगा तुम क्या करोगे, उसने पहले ही कहानी सारी बनाई, उसने सारी की. उसने कहा सर मैं ये छोड़े आगे क्या, ये ऐसे हुआ था सर देखे ना. वो बंदा कहता वाह भाई मैं तो रात को जाग रहा था सर. हालांकि वो रात को कभी जागा ही नहीं था, सोया रहता था. तो वो इस, फिर आप अगर एचआर से ताल्लुक है फिर इसको स्टार मेथडोलॉजी पे इवेल्यूएट करते हैं. एंड स्टार मेथडोलॉजी पे इवेल्यूएशन सारे कर रहे होते हैं जब बिहेवियरल सवाल पूछते हैं, तो वो फिर उसमें जिसके नंबर ज़्यादा होते हैं उसको पास कर देते हैं. रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी सिंपल है. जॉब किसने कराना है? स्पेशलिस्ट ने, तो उसको डॉक्यूमेंट करना, वो तो उसी मैनेजर के पास, उसी सुपरवाइज़र के पास, उसी जॉब इनकम्बेंट के पास, उसी बार वाले किसी जॉब वाले के पास जाएगा कि आप क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करते हैं. तो आपका जॉब एनालिसिस की दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैनेजर की भी जिम्मेदारी है कि मेरा अच्छा जॉब एनालिसिस हो और जॉब अच्छा क्रिएट हो. तो दिस इज़ हाउ. ये तो खैर डिस्क्रिप्टिव चीज़ें आप पढ़ ही लेंगे. स्टेजेस इन द जॉब एनालिसिस प्रोसेस, ये मैंने एक दफ़ा सवाल दिया था. शायद मेरे, मैं भी कॉम्पिटेंसीज का एक्सपर्ट हूँ, दिया था. तो मैंने ये सवाल दिया, जॉब इसका कुछ और है, वो इसी किताब में है, वो भी इसी तरह के स्टेप में, वो सारे वो लिख के आए. हर कोई मुझे कह रहा है सर मेरे तो 100% ठीक है. मैंने कहा यार ये 80% भी देख लो जो गलत है. यू हैव टू नो कि ये सवाल क्या पूछा गया है एंड यू हैव टू आंसर अकॉर्डिंगली. स्टेजेस आर वेरी सिंपल. प्लानिंग करेंगे जॉब एनालिसिस की, प्रिपेयर करेंगे जॉब एनालिसिस के लिए कि इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, कंडक्ट करेंगे जॉब एनालिसिस, उसके आगे स्टेप्स हैं. फिर जॉब डिस्क्रिप्शन एंड जॉब स्पेसिफिकेशंस को डेवलप करेंगे और फिर जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करेंगे, फिर उसको अपडेट रखेंगे जो ये बात कर रहे थे. दिस इज ऑल जॉब एनालिसिस इज डन. करेक्ट है जी, लेट्स प्रोसीड. जॉब एनालिसिस मेथड्स, ऑब्जर्वेशन. ऑब्जर्वेशन है, यू ऑब्जर्व पीपल हाउ दे डू एंड व्हाट दे डू. डेस्क रिव्यू नहीं, नहीं आप खड़े होकर कहीं देख रहे होते हैं कि ये बंदा या बंदी क्या काम करता है, कैसे करता. टीम होती है, वो काम करते हैं. लेकिन इसके दो पहलू हैं. एक पहलू यह है कि मुझे आप बताएं, अगर आप काम कर रहे हैं, मैं आपको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, आपकी परफॉर्मेंस को क्या होगा? डबल हो जाए. कि यार ये बात किया ना, सैंडविच तूने जाया नहीं किया यार. अगर इस वक्त जाया हो जाता ना यार, तो फिर मुझे बड़ा ही अफसोस होना. ही इज राइट. कब बढ़ जाएगा? जब उसको ये फील होगी यार मैं डबल काम करूंगा, मेरी तनख्वाह डबल हो जाएगी. और एक को पता ना, अगर ये मैंने ये भी काम कर दिया तो मेरे पे वो भी लाद देगा. तो वो कहेगा यार थोड़ा आहिस्ता हौसले न चलूं ताकि मेरे ऊपर काम ना आ जाए. देख रहा हूँ. यस दैट्स ट्रू. तो देर आर देन अनऑब्ट्रूसिव मेथड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स. लेकिन वो आपको एम्प्लॉय को बताना पड़ता है वेस्टर्न वर्ल्ड में कि आपकी ये हम ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं
they have to be told, and they have to be told that the purpose of this observation is only this, right? Then you interview people, then you do questionnaires. Ye phir specialized method hai job analysis ke, position analysis questionnaire and management position description questionnaire. I don't know why, but this is the only word we had heard for job description. The acronym always used for job description document was JDQ. And I always, still today, I wonder why Q. It was from the word questionnaire. So the, whenever you hear the word JDQ, it means that document they have produced after all this. The computerized job analysis. Ye mera hal hai us waqt tak computer se fascinated the, there is no such mere nahi khayal mein koi aisi hai. Typical areas jo aap cover karte hain, duties kya hain, supervision kya hai, decisions kya lenge, logon se kya contact hoga, physical dimensions kya hain, aapki kya characteristics hain, you know, whatever these things, these are part of the JDQ. I will now start calling it JDQ. फिर फंक्शनल जॉब एनालिसिस है. ये वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली अमेरिकन वर्ल्ड में, ये बहुत एडवांस है. तो ये आपको वहाँ ऑन नेट ऑनलाइन पे और एफजे के वही इसके ऊपर आप बस पढ़ लें तो ठीक है, लेकिन ज़रूरत इतनी नहीं है वहाँ. यहाँ तक है कि उन्होंने एक जॉब को लेके, रूटीन जॉब को लेके ब्रेक किया हुआ है, उसमें से आप पार्ट्स उठाते जाते हैं और अपना जॉब डिस्क्रिप्शन तैयार कर लेते हैं, क्योंकि ये वहाँ पे काफ़ी एडवांस स्टेज पे हैं वो लोग. साइकोमेट्रिक टेस्टिंग किसने पूछा है? नहीं, वो आता है सिलेक्शन के वक्त. एनी टेस्टिंग फॉर एम्प्लॉयज, इट्स जॉब. आई सेड दिस जॉब एंड एम्प्लॉय इज नॉट द सेम थिंग. वी आर क्रिएटिंग अ जॉब. जो आपने टेस्टिंग की बात की, दैट टेस्टिंग विल कम इन इन सिलेक्शन प्रोसेस. फिर जी बिहेवियरल एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब एनालिसिस में क्या चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं? इन्फ्लेशन ऑफ जॉब्स एंड टाइटल्स. आप जॉब्स को भी और टाइटल्स को भी इतना बड़ा बड़ा करके करते हैं. वो जिस तरह मैंने उस दिन मिसाल भी दी, होगा जमादार कहेंगे जेनिटोरियल इंजीनियर है ये, यू नो, यू हैव इन्फ्लेटेड द जॉब द टाइटल. या शीशे बार से साफ करता है कंपनी के, ये यू नो ही इज द इमेज बिल्डर ऑफ द कंपनी. दीज आर काइंड ऑफ थिंग्स दैट पीपल डू. नीचे कुछ नहीं था, मेरे ख्याल वो अंदर ला रहा था दरवाजे, सर जी अंदर आ जाओ, सर तुम भी आ जाओ जी. पायलट बना दिया ना, कैप्टन. हाँ, कैप्टन हो भाई. वैसे तूने बड़ी आला बात किया, ड्राइवर को कैप्टन बना दिया उसने यार. जो वैसे कैप्टन नहीं बन सके वो भी बन गया कैप्टन. या ऑलराइट. मैनेजीरियल एंग्जाइटी में क्या था, वही बात है जो हमारे दोस्त ने वहाँ से पूछा था कि वो 10% जो एक्स्ट्रा वो क्या है. मैनेजर फील्स एंग्जाइटी के यार ये मैं इसको ये काम कहूँगा ये नहीं करेगा, ये उनकी प्रॉब्लम है. स्ट्रेट जैकेट में होना जिसको हम कहते हैं. करंट इनकम्बेंट एम्फसिस है. जो बंदा काम कर रहा है ना, अगर आप उससे पूछेंगे ना तो वो कहेगा सर ये बड़ा मुश्किल काम है, सर ये कोई नहीं कर सकता, ये मैं ही कर सकता हूँ. वो सर ये तो इसमें इधर भी छलांग लगाता हूँ, इधर भी छलांग लगाता हूँ, हालांकि उसमें कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो अपना वो करता है. दैट्स ऑल्सो प्रॉब्लम. और एम्प्लॉय के भी अपने फियर्स और एंगजाइटीज होता है कि जॉब डिस्क्रिप्शन बन गई तो मुझसे फिर काम भी लेंगे, मुझे पूछेंगे भी, मुझे फंसाएंगे भी. फिर ये इनके ऊपर ना ये एज आई सेड डू नॉट ट्राई टू रीड लॉ, बट हर जॉब की असेंशियल फंक्शंस होती हैं दैट मस्ट बी परफॉर्म्ड, एंड इफ यू आर केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग दोज फंक्शंस बीइंग डिसेबल्ड स्टिल यू आर क्वालिफाइड फॉर द जॉब. असेंशियल फंक्शन ऑफ द जॉब.
फिर मार्जिनल फंक्शंस ऑफ द जॉब होते हैं, जो हों या ना हों, जो हों या ना हों. तो दिस ऑल डिपेंड्स हाउ यू डिफाइन दोज एंड हाउ यू ट्रीट दोज फंक्शंस. फिर आगे जी, कैसे आप डिटरमिन करते हैं, रीड वन ओनली एंड वी विल नो. कंसिडरेशन क्या है, नंबर वन नज़दीक कौन बैठा है. आप ही आज आप बोलो ना जी, आपने भी इतना दैट मीन्स दैट इट बिकम्स व्हाट नेक्स्ट वन. उसके अगेंस्ट असेंशियल फंक्शंस क्या है, सिग्निफिकेंट परसेंटेज ऑफ टाइम ऑफन 20% और मोर. तो ये फिर कौन सा जॉब बन गया, ऊपर लिखा हुआ है essential. वो essential में आ गया, और अगर उससे कम है या कुछ और है वो मार्जिनल में चला गया. तो दिस इज हाउ दे प्रिपेयर चार्ट्स टू डिफाइन कि कौन सा मार्जिनल है और कौन सा essential है. नेक्स्ट वन प्लीज. नहीं अच्छा पढ़ लें, कोई बात नहीं, बिल्कुल ठीक है. आप खामोश हो गए, आप खामोश हो चुके हैं, क्यों, अब बोलिए आप. टास्क इज परफॉर्म इनफ्रीक्वेंटली और व्हेन सब्स्टिट्यूटिंग इन पार्ट ऑफ अनदर जॉब. या अभी आप देखें किस बेस पे वो मार्जिनल हो रहा है या एसेंशियल हो रहा है. तो ये वो जो कंपनियां बहुत ख्याल करती हैं वो ये डिफाइन कर लेती हैं, तो उनके मसाइल उतना ही कम हो जाते हैं. बिकॉज अगर कोई भी डिसेबल्ड आदमी कोर्ट में जा कहता है आई कैन परफॉर्म ऑल एसेंशियल फंक्शन ऑफ दिस जॉब, ये मुझे क्यों फारिग कर रहे हैं, तो अगर वो प्रूव कर सकता है कि एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म कर सकती है, कर सकता है, वो फायर नहीं कर सकता उसको इस बेस में. हाय यूरोपा. हाँ जी, हाँ नहीं वो तभी तो मैंने कहा सर रिटायर, इन्होंने सोच को खराब कर दिया. ये भी सब ये चार का फंक्शन होगा. देखो नहीं सॉरी, मैं हमेशा कहता हूँ जितना भी मेरा जितना एक्सपीरियंस हो गया ना इस दुनिया में, वो हर बात समझ आ जाती है. अभी तो इन्होंने मुझे डिस्टर्ब कर दिया, मैंने साइकिल ही खराब कर दी. अब बोले आप ह्यूमन बिहेवियर में इससे क्यों होता है, क्या चीज टाइम वन इज एडमिट कर दी, ये काम मैंने जैसे कहा है ये ऐसे ही होना चाहिए, इरिस्पेक्टिव रूल्स उसकी इजाजत दे रही है ना, बीच में यानी अथॉरिटेटिव जो स्टाइल होता है
ऑफ लीडरशिप आप कह रहे हैं कुछ कह रहे हैं? असल में आई थिंक मैं बात आपको एक करता हूँ, सही बात करने लगा हूँ। अभी इंसान जब एक ऐसी जगह पे अपने तजर्बों के साथ अपने तरीक़ों के साथ जब पहुंच जाता है ना, तो वो समझता है कि ये मैं जो बात कर रहा हूँ ये बिल्कुल इसी तरह है और ये सही है, विच इज़ नॉट सो। ये बात सही है ना, क्योंकि हर बंदे ने हर एलिमेंट हर चीज़ नहीं देखी होगी। आई थिंक मेरा पर्सनल ये ख्याल है, एज़ यू ग्रो सीनियर एज़ यू ग्रो ओल्डर आई थिंक वन शुड स्टेप बैक एंड लुक एट योर बिहेवियर फ्राम अदर्स पॉइंट ऑफ व्यू, ये क्या मेरे बारे में सोच रहे हैं, ऐसा ही है ना। तो इफ़ यू डोंट देन इसी तरह के मसाइल पैदा होंगे, यार मैंने कह दिया मैं ऐसे ही होगा, मैं ऐसे ही करता था, फलाना होता था, तो अब नहीं ऐसे होता, ये इशू है ना, मैं अब नहीं ऐसे होता, अब इस तरह होता है। एक वैसे ये आते हैं और इसमें आई थिंक यंगर पीपल आर मोर फ्लैक्सीबल जनरली स्पीकिंग एज कम्पेयर टू ओल्डर पीपल, लेस फ्लैक्सीबल, क्योंकि वो सोचते हैं शायद उनमें बहुत ही दुनिया देख ली है, बहुत अक्ल आ गई है, जबकि अक्ल आती भी हो ना तो कई चीज़ें उनकी प्रव्यू में ही नहीं आती हैं, वो ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं लाइफ में, मैंने देखी नहीं है, मेरे लिए तो ब्लाइंड स्पॉट है ना। अभी जैसे मैं इनसे बात कर रहा था बाहर, अगर मैंने टी वी लगाना नहीं कभी देखा था, मुझे लगाना नहीं आता, तो मैं किसी ऐसी जगह जाऊंगा कि मैं कहूंगा यार ये कैसे लगाते हैं, तो वो अगला ही बंद कहेगा ना यार ये कैसा बेवकूफ़ आदमी, इसको टीवी नहीं लगाना था, यही है ना। तो व्हाट यू हैव सीन इन लाइफ व्हाट यू हैव बीन एक्सपोज्ड दैट इज योर अकल कुल, उसके बाद मैनेजमेंट में लेकिन मैं भी रैशनैलिटी है इसके अंदर आ गई, वो आपको पता है जो चीजें यहां पे हैं उनका आपको उनके बारे में कुछ पता है, जो चीजें यहां हैं आपको तो उनका कुछ पता ही नहीं है। तो वन शुड ऑलवेज रियलाइज कि मेरी एक बाउंडेड रैशनैलिटी है, और ये खुलेगी कैसे, जब आप दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू को सुनेंगे, दूसरी दुनिया को देखेंगे, दूसरा इल्म हासिल करेंगे, फिर ही खुलेगी ना, पहले तो नहीं खुलती। बट एनी वे, सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल फंक्शन एंड ऑल दैट वर्क। जॉब डिस्क्रिप्शन आइडेंटिटी, अब ये फिर लफ्स मुझे इस चैप्टर में बहुत ज़्यादा जॉब डिस्क्रिप्शन को सिर्फ जॉब को डिस्क्राइब करने में इस्तेमाल किया है, हालांकि जॉब डिस्क्रिप्शन जनरली एक स्टेज के बाद जॉब डिस्क्रिप्शन एज डॉक्यूमेंट समझा जाता है, बट प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर वेरी क्लियर, जॉब डिस्क्रिप्शन इज इन दिस प्लेस हाउ ए जॉब इज डिस्क्राइब, जॉब डिस्क्रिप्शन डॉक्यूमेंट इज वेन यू पुट एवरीथिंग इन अ डॉक्यूमेंट, वी कॉल इट JDQ, उसको जॉब डिस्क्रिप्शन। परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स आप डिफाइन करते हैं कि क्या परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड होंगे, और जॉब स्पेसिफिकेशन करते हैं कि जिस बंदे ने आना है बंदी ने आना है उसकी क्या KSAs होंगे, नॉलेज स्किल्स एंड एबिलिटीज। फिर अब इसमें नया जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा कॉम्पिटेंसीज का आ गया, उसमें उन्होंने कहा जी लोगों में अब KSA और O's होना चाहिए। अब ये किसने बोला था वो दोबारा मुझे बड़ा करता, मैं तो पहले पूछ लेता हूँ लोगों से यार, मैं तब 10 साल से नहीं सुन। अच्छा जी ठीक हो गया जी, तो दिस इज जॉब स्पेसिफिकेशंस, ये सैंपल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं, आपको मेरा हाल नहीं पढ़ने की ज़रूरत इसको इतनी डिटेल में, कोई मेरा हाल मसला होता नहीं है कि आप जाएं। हाँ, अब जॉब डिस्क्रिप्शन की डॉक्यूमेंट बन रहा है, ये फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट होता है, इसके 4-5 पार्ट्स होते हैं, सबसे ऊपर हम कहते हैं ये जॉब आईडी का सेक्शन होता है, और बड़ा खूबसूरत डॉक्यूमेंट होता है,
उसमें ये होता है दो पेज का और तीन पेज का और 18-18 पेज के भी होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल वो थोड़ी ओवर किल है। आइडेंटिफिकेशन में जॉब का टाइटल आता है, ज़रूरी नहीं है रिपोर्टिंग रिलेशनशिप आए, वो एंड में भी आते हैं, डिपार्टमेंट कौन सा है, लोकेशन कौन सी है, ये डेट किस डेट को जॉब क्रिएट हुआ या चेंज हुआ वो आता है। और इसमें फिर यहाँ पे इन्होंने नहीं शामिल किया, ये मेरा ख्याल है इन्होंने पाकिस्तान का जॉब डिस्क्रिप्शन उठाया, यहाँ पे कॉम्पनसेशन और इस तरह की चीज़ें, समटाइम्स शिफ्ट वर्क है तो यहाँ यही सारा डिफाइन हो जाता। ठीक हो गया जी। उसके बाद जनरल समरी आती है, जॉब है क्या, फिर उसकी एसेंशियल फंक्शंस आती हैं, फिर कौन सा बंदी बंदे आएगा, फिर अप्रूवल्स और ये वो इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन का डॉक्यूमेंट बन जाता है। इफ़ समबडी हैज़ ए गुड जॉब डिस्क्रिप्शन दे कैन शो इट टू द क्लासमेट्स। वैसे बुक में भी है, आप वहाँ भी देख सकते हैं, और बहुत सारी एग्जाम्पल्स हैं। ये भी दिया हुआ जॉब डिस्क्रिप्शन तो इंटरनेट पर बहुत ज़्यादा है। If anybody has interest, can look at these documents. ये sample job description है, and I think that's it. Wonderful यार, so easy life यार, so easy. मैं आपको practical example देता हूँ क्या होता है। जिस वक्त आप बुरा job description करते हैं ना, as a person, तो आप फंस जाते हैं। ठीक है? जब आप अच्छा job description करते हैं, मैंने कहीं कुछ काम करना मेरे घर में मक्खियाँ को काटा बिजाज आज तुम बीमार हो तो ऐसा बीमार है नहीं कर रहा नहीं सर किया है वही आओ फिर तो आप बंद मैं सिर्फ छोटी कर दें नहीं नहीं यार ये मेरे डायरेक्टर इसको मैं